Hello guys, so here problem number 3. A contractor plans to install 2 sleds for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a sled whose top is at a height of 1.5 meter. देखिए पहले तो हमको कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है कि 2 स्लैट्स उसको लगाना है पार्क में बच्चों के खेलने के लिए. तो हमें यहाँ पर 2 स्लैट्स डिफरेंट बनाना होगा और उसके थ्रू इसको सॉल्व करना होगा. सो एन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. एक ऐसा स्लैट बनाना है जिसका हाइट तो 1.5 मीटर है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का ग्राउंड पर. वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, हम बात करेंगे एल्डर चिल्ड्रन के लिए, तो शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लैट एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर. जो अदर फिगर हमारा बनेगा उसमें क्या बोला, इसकी हाइट हमको 3 मीटर का लेना है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. वहां पर उसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड से. सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लैड इन ईच केस. दोनों केस में हमारी स्लैड की जो लेंथ है वो क्या होगी. सो जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, देखिए हम बात कर रहे हैं पहले 3 जो हमारा दिया हुआ है इसका हाइट 1.5 मीटर जिसकी हमें लेनी है. सो 1.5 मीटर की हाइट के लिए हम बनाना शुरू करते हैं. सो हमने यहाँ पे एक नेम दे दिया AB. आप जानते हैं जो भी स्लैड होती है वो स्लैड कुछ इस टाइप से बनी होती है पार्क में, तो स्लैड मतलब ऐसे बनेगी. तो हमको स्लैड ऐसे यहाँ पे क्रिएट कर देनी है, ये स्लैड हो जाएगी. कहाँ से, यहां से बनेगा ग्राउंड से. सो उसको आगे और एक्सटेंड कर देंगे, अभी इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं. ठीक है, तो ये स्लैड बन रही है ग्राउंड से जो कि कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का. तो यहां से हमको 30 डिग्री का एंगल बना देना है, कुछ इस टाइप का हो जाएगा. अब देखिए इसमें बोला गया है कि एक हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस वाले जो स्लैड की लेंथ है वो फाइंड करनी है. तो उसको हम एक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये ए है, बी है, ये सी हो जाएगा. ठीक है, ये हमने किसके लिए बात किया, द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स. अब हमें क्या करना है, हमें एल्डर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे एक और फिगर को ड्रॉ करना होगा. तो हम क्या करते हैं, देखिए जहां हमने इसकी हाइट को लिया है 1.5, अब हमको लेना होगा 3. तो 3 के लिए हम क्रिएट कर देते हैं, ये 3 मीटर के लिए हम बना रहे हैं. हमें इसमें भी स्लैड की हाइट को फाइंड करना है. सो ग्राउंड से क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो यहां से 60 का एंगल बनाते हुए टॉप पर जाएगा और हमें इस स्लैड की हाइट को फाइंड करना होगा. इसको नेम दे देते हैं P, Q एंड R. ठीक है, तो इसमें हमें ऐसे नेम देना होगा और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ फाइंड करना है इस वाली स्लैड की लेंथ को. वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो हमको दोनों स्लैड की लेंथ को फाइंड करना है. जैसा कि हम जानते हैं जो पार्क में स्लैड्स होते हैं वो इस टाइप से होते हैं. अब हमने आपको बताया था कि हमको जो भी गिविन होता है उसके अकॉर्डिंग हमको रेशियो का यूज करना होता है. तो यहाँ पे हमको गिविन है हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर. तो उसको यूज करके हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो देखते हैं. सो PV P over HH V के अकॉर्डिंग हमको पता है कि हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस का हम कॉस और कोसेक का यूज कर सकते हैं. सो इस प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं. सो सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, देखिए इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री एंगल बनाएगा. सो ABC अब हमको क्या गिवन है, साइन का यूज करना है. तो साइन 30 डिग्री इक्वल P over H, इट मीन्स AB over AC ये हो जाएगा. सो साइन 30 की वैल्यू हमारी होती है 1 over 2 इक्वल AB. AB इज 1.5, सो 1.5 over x ये हो जाएगा. सो हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमको यहां से मिल जाएगी 3. इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का 2 से, तो x की वैल्यू हमको 3 मिल जाएगी. अब हमको यहां से क्या वैल्यू फाइंड करना है, सेकंड वाले के लिए जो कि हमने बड़ा वाला एक बनाया हुआ है, स्लैट की लेंथ हमको फाइंड करनी है. सो इन ट्रायंगल PQR इसमें भी साइन का यूज होगा,
So sine 60 degree equal, हमें बात करना होगा P over H. So PQ over PR. Sine 60 की वैल्यू होती है root 3 by 2. So root 3 by 2 equal 3 over Y. हमको यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी होगी. सो so, y रूट 3 इक्वल 6. सो so, y इक्वल 6 ओवर रूट 3. नीचे रूट है, इसको मैं कैंसिल करना होगा. सो रिस्नेस कर देते हैं रूट 3 ओवर रूट 3. सो इट विल बी 6 रूट 3 ओवर 3. इट विल बी कैंसिल विद 2. सो फाइनली y इक्वल 2 रूट 3. तो हमको यहां पे एक स्टेटमेंट देना होगा. Therefore, the lengths of these slats are 3 meter and 2 root 3 meter. So, here the children below the age of 5 years, so uski slat ki jo length hogi wo 3 meter hogi. And jo elder children ki jo humne banayi hai, dusri wali slat ki jo length hogi wo 2 root 3 meter hogi. Okay.